फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्ट्रीट फूड जायका में आपका स्वागत है। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? तो बताओ, मैं आज अपन क्या बनाने वाले हैं? आज बनाने वाले हम सूजी के मेदू वड़े और नारियल की चटनी। और बस देखो क्या चाहिए था। अभी देखो मेदू वड़ा बना रहे, साथ में नारियल की चटनी बना रहे, तो सांभर का गया। हाँ, होटलों में ये ना मेदू वड़े के साथ ना सांभर डाल के मंगवाता है। नहीं, मेरे को चटनी से ज्यादा सांभर ही पसंद है। वैसे बहुत से लोगों को होता होगा चटनी से ज्यादा सांभर खाते होंगे, जैसे कि मेरे दोस्त लोग को सांभर से ज्यादा चटनी पसंद है। अभी हम लोग हाल ही में गए थे इडली में थोड़ा खाने, तो चटनी के साथ ज्यादा खाते हैं। तो आज अभी बनाने वाले सिर्फ चटनी। घर में बन जाए तो यही होता है, एक चीज मिलती है तो एक चीज नहीं मिलती, कम ज्यादा होते रहते। देखिए तो चलो फिर नजर मारते हैं इंग्रेडिएंट्स पे। आज मैं मेदू वड़ा, वैसे मेदू वड़ा किसका बनाने वाले? आज मैं सूजी के मेदू वड़े बनाऊंगी। अगर आप लोगों को चाहिए उड़द के दाल के तो आप कमेंट्स करना, मैं जरूर बनाऊंगी। वैसे हमने चावल के मेदू वड़े भी बनाए हमारे चैनल पे, तो वो भी जरूर देख लेना। तो चलो फिर नजर मारते हैं इंग्रेडिएंट्स पे। आज मैं मेदू वड़ा और नारियल की चटनी बनाने के लिए क्या क्या लेंगे। चलो तो सबसे पहले लेंगे हम सूजी, दही, नारियल, चने की दाल, पुदीना, कोथमीर, अदरक, कड़ी पत्ता, इमली, हरी मिर्ची, चिली फ्लेक्स, जीरा, लहसुन, सूखी लाल मिर्ची, बेकिंग सोडा, राई। तो चलो शुरू करते हैं बिस्मिल्लाह करके। तो सबसे पहले मैं बता दूं आप लोगों को कि मैंने यहाँ पे एक वाटी रवा ली हूँ, तो एक वाटी ही दही भी ली हूँ। ठीक है, अब हम डाल देंगे ये रवा। यहाँ पे मैंने जाड़ी वाली बारीक वाली कोई नहीं देखी, जो हम हलवा बनाते ना वही रवा ली। ठीक है, अब मैं इसमें ऐड करूंगी अदरक। ये बारीक बारीक अदरक ली मैंने कट करके। यहाँ पे हम डालेंगे थोड़ी सी कड़ी पत्ते, हरी मिर्ची डाली हूँ एक, आधा चम्मच चिली फ्लेक्स डाली हूँ, आधा चम्मच हम डालेंगे इसमें जीरा, और एक चम्मच भर के डालेंगे हम कोथमीर। अब इसके अंदर डालेंगे हम एक वाटी दही। अब आराम से इसको पूरा मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने दही पूरी मिक्स कर दी हूँ। अब हम इसमें ऐड करेंगे नमक। नमक यहाँ पर मैं अपने हिसाब से ले रही हूँ, आप अपने हिसाब से ले लेना। अब इसमें मैं थोड़ा सा पानी भी यूज करूंगी क्योंकि ये अभी सूखा लग रहा है मुझे। ठीक है, तो पानी हम धड़ाधड़ नहीं डालेंगे, चम्मच के हिसाब से डालेंगे थोड़ा, नहीं तो बैटर एकदम पतला हो जाएगा तो भी सही नहीं बनेगा। अब इसको मिला लूंगी। यहाँ पे मुझे पानी और लगेगा। क्यों ज्यादा पानी डाल रही हूँ? क्योंकि अभी हम इसको 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे ना, तो ये पानी पूरा सोख लेगा। तो यहाँ पे मैं देखो कितनी छोटी वाटी में पानी ली थी, तो यहाँ पर इतना पानी लगा है ये इसके अंदर। ठीक है, अब ये बैटर थोड़ा सा देख रहे हैं ना आप लोग, पतला पतला लग रहा है, बस इसी तरीके का बैटर हमको चाहिए। अब मैं यहाँ पर इसको ढक के रख दूंगी पूरे 10 से 12 मिनट के लिए। तो रवे को हमने रख दिए रेस्ट करने के लिए, जब तक हम चटनी बना लेते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर गीला वाला नारियल ले ली हूँ कट करके। अब मैं इसको ले लूँगी सबसे पहला मिक्सर में। यहाँ पे मैंने 2 चम्मच दलिया ली हूँ, यानी कि ये चने की दाल। यहाँ पे मैं डालूँगी 3 हरी मिर्ची, 4 लहसुन, यहाँ हम लेंगे थोड़ी सी इमली, थोड़ी सी डालेंगे इसमें कड़ी पत्ते, यहाँ पे हम डालेंगे पुदीना, कोथमीर डालेंगे अच्छी, और यहाँ पे हम डालेंगे 1 चम्मच जीरा। ठीक है, अब हम इसमें ऐड करेंगे नमक। अब यहाँ पे अगर आपको नींबू डालना है, दही डालना है, आपकी मर्जी। ठीक है, इसमें मैं सिर्फ इमली का यूज कर रही हूँ, तो इसके लिए मैं नींबू और दही नहीं डाल रही हूँ। अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ा पानी। अभी इसको मैं बारीक पीस के लाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने चटनी अच्छे से पीस ली हूँ, हम बर्तन में निकाल लेंगे। तो यहाँ पर मैंने सारी चटनी निकाल ली हूँ, अब हम लगाएंगे इसको तड़का।
तो यहाँ पे हमने तड़के के लिए तेल रख दिया है गर्म होने के लिए। इसमें डालेंगे हम एक चम्मच राई, थोड़ी कड़ी पत्ते, यहाँ पे हम डालेंगे लाल सूखी मिर्ची। आप ये गोल वाली मिर्ची नहीं है तो लाल सूखी मिर्ची लंबी वाली भी ले सकते हैं, ठीक है। इसमें आप थोड़ी सी उड़द की दाल और मेथी भी ऐड कर सकते हैं अगर आपको पसंद है तो, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पे गैस करूँगी बंद और ये तड़का डालेंगे हम इसमें हमारे इसको थोड़ा सा हम मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे तड़का लगा के मैंने अच्छे से मिक्स कर ली हूँ। यहाँ पे चटनी मेरी रेडी हो गई है और यहाँ पे आते हैं अभी बैटर पे। तो यहाँ पे ये बैटर देखो आप कड़क हो गया एकदम, यानी सूजी ने हमारा पानी अच्छे से पी लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसमें डालेंगे पाव चम्मच बेकिंग सोडा। अब हम इसके अंदर पानी डालेंगे थोड़ा सा, ताकि ये बैटर भी थोड़ा सा ढीला हो जाए और सोडा भी हमारा काम करने लग जाए। तो इसको मैं अच्छे से पहले मिक्स कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने बेकिंग सोडा अच्छे से मिक्स कर ली हूँ। अब हम बनाएंगे इसके वड़े। तो इसके लिए पहले हाथ थोड़े से गीले कर लेंगे। हाथों को गीला करने के बाद ये ले लेंगे बैटर थोड़ा सा, जितना बड़ा हमको चाहिए हमारा मेदू वड़ा उतना हमको बड़ा ले लेना है। और इसको थोड़ा फैला लेंगे हाथों की मदद से और इसको थोड़ा सा ही सुराख कर लेंगे। ये इस तरीके से करने से ना मेदू वड़े पक अच्छे से जाते हैं। और यहाँ पे हमने तेल रख दिए थे गर्म होने के लिए, तो हम डाल देंगे इसमें। अब इसी तरीके से मैं धीरे धीरे करके सब डाल दूंगी। और गैस हमको स्लो ही रखना है, गैस ज़्यादा फास्ट नहीं करना है, ठीक है ना, क्योंकि ये अंदर तक अच्छे से पकना चाहिए हमारा मेदू वड़ा। इसके लिए गैस स्लो ही रखेंगे। बिस्मिल्लाह। तो यहाँ पे अभी मैं तीसरा ऐड कर रही हूँ और ये मेदू वड़ा खुद ब खुद ऊपर आएगा अपने आप पकते पकते। आपको टच नहीं करना है, आपकी कढ़ाई में जितना आएगा उतना आप डाल देना। मैं और एक डाल रही हूँ, मेरी कढ़ाई में आ जाएगा चौथा भी। अब मैं इसको पकने दूंगी 1 से 2 मिनट एक तरफ से। तो यहाँ पे 2 से 3 मिनट तक मैंने इसको अच्छे से पकने छोड़ी थी। अब हम इसको करेंगे पलटी। यहाँ पे फूल गए हैं, है ना, थोड़ा सा बेकिंग सोडा हमने इसमें डाले थे। तो पकाने के टाइम पे, कढ़ाई में डालने के टाइम पे थोड़े से चपटे ही बनाना, क्योंकि ये कढ़ाई में पकने के टाइम पे थोड़े से फूल जाते हैं। अब यहाँ पे भी मैं 2 से 3 मिनट इसको पकने दूंगी। मेरा गैस एकदम स्लो है क्योंकि हमारा रवा अच्छे से अंदर तक पक जाए, इसके लिए मैं स्लो आंच पे पका रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छे से पक चुके हैं मेरे मेदू वड़े, सुनहरी कलर के, है ना। अब हम निकालते हैं इसको। बिस्मिल्लाह। माशाल्लाह। अब इसी तरीके से मैं हाथ गीले करके दूसरे भी बना लूंगी। थोड़े से इसको चपटे करना, क्योंकि ये कढ़ाई में जाने के बाद अपने आप फूल जाता है। हाथ में पानी जरूर लगा लेना, ठीक है ना। बिस्मिल्लाह। तो यहाँ पे सारे मेदू वड़े मेरे रेडी हो गए हैं माशाल्लाह। यहाँ हम गैस करेंगे बंद और यहाँ पे हमारे मेदू वड़े हो गए रेडी। चटनी भी रेडी है, मेदू वड़ा भी रेडी है, मस्त। अभी मजे से नाश्ता करो। तो दोस्तों तैयार हो गए यहाँ पे सूजी का मेदू वड़ा, एकदम घरेलू वाला, सांभर नहीं है। हाँ, लेकिन एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी बना है। हाँ, रवे का है ना, सूजी का रहेगा तो थोड़ा क्रिस्पी ऊपर बनेगा, अंदर सॉफ्ट बनेगा, ऐसा है। लेकिन ये तो वही बात होगी कि अभी चटनी है, इसको ना सांभर के साथ है ना ऐसा चम्मच से सांभर ऐसा मिला मिला के खाने की आदत है। मेदू वड़ा नहीं, मुझे ना जो वड़ा पाव का वड़ा था ना, वो भी मैं सांभर के साथ बहुत मजे से खाता हूँ। अपने एमएम में ना मलाड़ा में मिलता है, खाली वड़ा बोलने का तो वो लोग सांभर भी दे देते हैं। होटल में भी मिलता है। हाँ, वड़े को तोड़ के ना कौन सा वड़ा पाव वाला वड़ा, आलू वाला ना, आलू वड़ा, बटाटा वड़ा, बटाटा वड़ा सांभर के साथ कभी खा के देखना। ये खाता है, बहुत मजा आता है। मस्त बनाना, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट अंदर का, घर का है ना, अच्छा ही बना रहेगा।
सही में मैं सांभर को मिस कर रहा हूँ, लेकिन और चटनी देखते हैं मम्मी कैसी है। ये तो एकदम कॉमन चटनी अपने घर की, देख रहे चटनी में भर के ले लेना। हाँ बस मेरा एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी। और ये नाश्ता बनाने में ज्यादा लेट नहीं होता है, अगर कभी सुबह के टाइम पे नाश्ता चेंज करके खाने का मन है तो अंदर की खा सकते हैं। एकदम अप्पम जैसी लग रही है। हाँ तो वो रवा क्या अप्पम भी रवे का ही बनता है। अंदर भी थोड़ा मसाला चटनी कर सकते थे। हाँ हाँ कर सकते थे ना, क्यों नहीं कर सकते थे। मगर आपको इसको ज्यादा तीखा करना था, कुछ अलग बनाना चाहिए था ना। इसमें हरी मिर्ची शेजवान में थोड़ा बनाना चाहिए था, इसके अंदर शेजवान चटनी डाल के और ये शेजवान चटनी के साथ। इसको शेजवान बस पसंद है, नहीं वो अलग भी हो जाता है। हाँ तीखा नहीं खाता है लेकिन शेजवान पसंद है उसको। मतलब इसका बोलने का मतलब मैं समझ गई हूँ कि ये तो ऐसा ये साउथ इंडियन बनता है हाँ। लेकिन तुम कुछ शेजवान के स्टाइल में अलग करके बनाना, जैसे कि देखो शेजवान का जो बैटर हाँ। है, जो बैटर है तो ये लाल हो जाता था तो इसके अंदर ये मेदू वड़ा का जो ये जो पीलिंग बता रहा ना इसमें जैसे व्हाइट हाँ। ये जो रहा ये फिर पूरा लाल हो जाता है। तो शेजवान भजिया लाल रहता है, शेजवान कटलेट्स लाल रहता है, मेदू वड़ा लाल, शेजवान फ्राइड राइस भी तो लाल ही रहता है ना। देखो रखी का सॉफ्ट बने हैं अंदर से माशाल्लाह बहुत अच्छे बने हैं। तो थोड़ा अलग टेस्ट देता ना मैं, और अपन खाते भी थे लाल शेजवान चटनी के साथ। सही बोल रहा है, सही बोल रहा है। वाह आप लोग कमेंट करना अगर आप लोग को शेजवान नींबू वड़ा देखने का, और जिसको अपने चैनल पे डालने को वो डाल भी देना। ऐसा बोलते है ना थोड़ा मेरे को आइडिया भी देता है, ऐसा करो मी थोड़ा ऐसा करो मी, नया नया करने की कुछ आइडिया मिलते रहती है मुझे। और अपने अपने चैनल पे मेदू वड़े की भी रेसिपी ऑलरेडी डाले हुए। कौन सी ओरिजिनल वाली? हाँ ये नकली वाली है। नकली वाली नहीं है, मतलब वो जो ओरिजिनल तरीके से जो बनती है ना पुराने जमाने से, वैसे तरीके में भी मैंने मेदू वड़ा बनाई हूँ, बहुत पहले बना के डाली थी। देखना जिसको जाके देखना है, और अगर अभी किसी को चाहिए तो मुझे बोलना, मैं और नए तरीके से अच्छे तरीके से आप लोगों को बताऊंगी कैसा है ना। रवा भी बहुत लोगों को पसंद होता है, जो उतना शौक से खाते हैं तो वो लोग ये मेदू वड़ा बना के जरूर खाना, वो लोग को अच्छा लगेगा। रवे का कैसा है मतलब बोलने का कि बहुत झटपट रेसिपी बन जाती है, जो तरीके वाली रहती है उसमें एक दिन भिगा एक दिन रखो आठ दिन रखो पीसो, उसका प्रोसीजर है ना कुछ लंबा हो जाता है। ये इंस्टेंट है। और रवे वाली जो भी चीजें बनाते हैं ना अपन, वो आराम से बन जाती है 20 मिनट 25 मिनट आधा घंटा ज्यादा से ज्यादा। तो रवा एकदम हमारा इजी तरीके से इस्तेमाल करने वाली चीज है, झटपट इडली बन जाएगी, झटपट मेदू वड़ा बन जाएगा, झटपट चीला बन जाएगा, ऐसा बहुत सारे नाश्ते बन जाते हैं रवे से। तो भाई बकरे दादी अभी नाश्ता खत्म करो, बकरे के थोड़ा आइटम लेके आओ। मैं वही चाह रही थी ये कब बोलेगा, जब तक ये बोलेगा नहीं मैं बनाऊंगी नहीं। बकरा ईद रहती है 1 से 2 दिन की, लेकिन उसको मनाया जाता है 1 से 2 हफ्ता। हाँ फिर इसमें भर भर के बकरा ईद बनाए जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, थोड़ा बहुत बांटना भी चाहिए। उतना अलग बात है, अपने को थोड़ा आप लोगों को दिखाना पड़ता है रेसिपी, तो इसीलिए हम थोड़ा रख देते हैं कि लोगों को बना के बताएंगे, है ना। बकरी ईद के बाद काम रख देते हम पहले खरीद के लाते हाँ अपन तो बनाते हैं। पहले एक महीना पहले मैं खरीद खरीद के लाती हूँ बनाती हूँ, जब आ जाता तो वो बांट देती हूँ, क्योंकि फिर खाने का मन नहीं रहता है। बकरी ईद से पहले ही हमारे घर में शुरू हो जाता है। बताना कौन कौन जमा करता है फ्रिज भर भर के? हम लोग नहीं रखते इतना, नहीं हाँ। पहले तो फिर भी थोड़ा रखते थे हम। हाँ देखो वो हिस्सा आने वाला था हमारे नसीब का तो मैं रखती हूँ, जो आए वाला था ना वो नहीं बांटती मैं, जो मेरे हिस्से का आया है मेरे नसीब का आया है किसी ने ला के दिया है मैं रखती हूँ। हाँ मैं कुर्बानी करती हूँ ना उसका हिस्सा मैं ज्यादा से ज्यादा तकसीम करने की सोचती हूँ। जिसके घर में कुर्बानी नहीं हुई ना वहाँ वहाँ बांटने की कोशिश करती, और जिसके घर में कुर्बानी होती है ना मैं तो वही बोलूंगी कि जिसके कुर्बानी नहीं होती है ना वहाँ बांटने की कोशिश करो, जिसके घर में कुर्बानी होती है उसी को जाके मत दो। मेरा तो ज्यादा मानना है उन लोग तो खाएंगे पकाएंगे काटेंगे सब करेंगे, लेकिन जिसके घर में कुर्बानी सच में नहीं होती है ना वहाँ गोश्त तकसीम करो। मैं तो वही करती हूँ जितना हो सके ना, मैं अगर अपने वाले भी रहते ना तो भी मैं नहीं देती। अगर मैं देख लेती हूँ इनके घर में कुर्बानी हुई है चाहे वो अपने रिश्तेदार है या अपने हैं तो भी मैं वहाँ नहीं देती हूँ, क्योंकि उनको मैं बोल देती हूँ कि देखो आप तो फिर भी खा लोगे बना के, मैं ज्यादा से ज्यादा वो एरिए में वहाँ जगह बांटना पसंद करूंगी जहाँ कुर्बानी नहीं होती। बस ठीक है
तो मैंने अम्मी से खा ली तो फ्रिज में कौन रखा देखो वही आ गया एकदम क्योंकि मैंने ना सही में देखा तो आपने बुरा नहीं माना बहुत से लोगों को देखी हूँ एकदम है ना कुर्बानी करेंगे और एक 8-10 किलो गोश्त बांट देंगे बाकी ले फ्रीजर फुल फुल खुलते साथ बाहर लेना इतना भर लेते हैं अरे भाई खरीद के तो खाते ही है ना साल भर खाते हैं हम मुंडी आ गए किसको देने गए तो ना यही बोलने का मेरा मतलब है देखो अभी एक महीना बचा है लेकिन कुर्बानी करो बहुत से लोग ऐसा होते हैं उठ जाएंगे वो मुंडी मेरे को दे देना मुंडी वोजड़ी मेरे को दे देना साफ करके मैं ले लूंगा नहीं भेजा मुझे चाहिए मुंडी मुझे चाहिए एक आएगा साला चार पाए मेरे वजड़ी मेरी मैं सिंह रखूंगा जिसको चाहिए का ले लेगा कि सिंह दे सिंह मारने के लिए ठीक है भाई तो ये मेजोड़ी की रेसिपी कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताना मेजोड़ी की रेसिपी अच्छी लगी होगी तो हमारे वीडियो को लाइक कर दो देखो कोई मेहमान आए शाम के टाइम पे भी अगर आप नाश्ता नहीं बना सकते तो बोलने आते लेके आओ नाश्ता बहुत से लोग कैसे ना ऐसे टाइम पे आ जाते जो खाने का भी टाइम नहीं रहता नाश्ते का भी टाइम नहीं रहता और हम बाहर से भी नहीं मंगा सकते क्योंकि टाइम टेबल से ठेले वाले और भजिया वाले भी चालू करते तो उस टाइम पे ये 15 से 20 मिनट का नाश्ता है झटपट बन सकता है आपके घर में अरे जरूरी है मेहमानों के लिए बनाओ बहुत से लोग अपनी रेसिपी ट्राई भी करते खाओ जिसका दिल करे नाश्ता करने का वो बना के बिल्कुल खा सकते हैं ठीक है तो भाई चैनल को भी सब्सक्राइब करो खाली देख के मजे मत लो चैनल को भी सब्सक्राइब करो थोड़ा आज रखते सब्सक्राइबर थोड़े स्लो गए तो जरा फटाफट सब्सक्राइब बढ़ाओ 2 मिलियन करना यार ये सब इंशाल्लाह जल्दी से जल्दी 2 मिलियन हो जाए अपना चैनल इंशाल्लाह करते हैं मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ तब तक के अल्लाह हाफिज़ बाय दुआ में याद रखना अपना ख्याल रखना